श्री माता रानी भटियाणी जी के 274वें जन्मोत्सव पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। माजीसा भक्त मंडल बाड़मेर की ओर से राजकीय चिकित्सालय में आयोजित हुए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में भक्तों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर में कांग्रेस के युवा नेता आजाद सिंह राठौर सहित कई अतिथियों ने शिरकत की और रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र सौंप कर उनकी हौसला अफजाई की। माता रानी भटियाणी के 274वें जन्म दिवस पर सोमवार को माजीसा भक्त मंडल द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला अस्पताल में आयोजित हुए इस रक्तदान शिविर का कांग्रेस के युवा नेता आजाद सिंह ने विधिवत शुभारंभ किया। रक्तदान शिविर को लेकर युवाओं में काफी उत्साह नजर आया और युवाओं ने यहां श्रद्धा के साथ बढ़ चढ़ कर रक्तदान करते हुए 51 यूनिट रक्तदान किया। रक्तदान शिविर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा नेता आजाद सिंह राठौर ने रक्तदान की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रक्तदान से कोई बड़ा पुण्य कार्य नहीं होता, हमारे दिए हुए रक्त से आपातकालीन स्थिति में किसी की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने युवाओं और शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए ताकि जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में आवश्यकता अनुरूप रक्त का संग्रहण बना रहे और आपातकाल में जरूरतमंद की जान बचाई जा सके। रमेश सिंह इंदा ने कहा कि रक्तदान करने से शरीर में रक्त का संतुलन बना रहता है और दिए हुए रक्त की पूर्ति अगले एक सप्ताह में ही हो जाती है। ऐसे में रक्तदान करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। रक्तदान शिविर के दौरान युवा नेता आजाद सिंह, माजीसा भक्त मंडल के प्रकाश सिंह रामदेरिया, देरावर सिंह बाटाड़ू, स्वरूप सिंह सोढ़ा, भाजपा के रमेश सिंह इंदा, तेजपाल सिंह जालीपा और शेर सिंह राणा ने रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र देकर बहुमान किया और रक्तदान जैसे पुनित कार्य करने के लिए आभार जताया। रक्तदान शिविर के दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रघु सिंह तामलोर, एबीवीपी प्रदेश सह मंत्री भूम सिंह सुंदरा, मुल्तान सिंह महाबार समेत दर्जनों रक्तदाताओं, आयोजन मंडल के सदस्य एवं ब्लड बैंक के कार्मिक मौजूद रहे।